मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर पारित प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता नेताओं में एक उत्साह और उम्मीद जागी है कि जल्द हमें हमारा स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। राज्य का दर्जा बहाली का पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस फैसले पर घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भाजपा के एजेंडे को ही जारी रखना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में घोषणा पत्र में किए वादे 370 और 35 ए से मुकर गई है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने कुपवाड़ा जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी चार व्यक्तियों को सुनाई गई मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालय ने 2007 में हंदवाड़ा क्षेत्र में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में सुनाया है। खंडपीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि दोषियों को कम से कम 25 साल तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। शोपिया में कॉलेज के छात्रों, स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन ने बिहार के रहने वाले युवक अशोक चौहान की हत्या के खिलाफ सरकारी डिग्री कॉलेज से क्लॉक टावर तक एक रैली निकाली। छात्रों ने बैनर थामे ये संदेश दिया कि ऐसे अत्याचार को रोकना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी धर्म निर्दोषों की हत्या का समर्थन नहीं करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर गजबाए हिंद से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना की 37 आरआर और सीआरपीएफ की 38 बटालियन के साथ मिलकर एक नाके पर एक आतंकवादी अब्दुल अजीज निवासी हरी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान उसके घर से एक और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया और उसके साथी मुनव्वर हुसैन निवासी हरी को भी वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और 9 राउंड्स बरामद किए गए हैं। इन दोनों ने पुंछ के विभिन्न स्थानों से हथियार, गोला बारूद और 105 लाख रुपए की खेप बरामद की थी। झारखंड की राजधानी में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा भी करनी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कोई भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। मीडिया, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और आईटी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि बीजेपी सबको कंट्रोल करती है। बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है। आपके लिए ओबीसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा और कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए रांची पहुंच गए हैं। वहीं बाकी बची 11 सीटें गठबंधन सहयोगी आरजेडी को दी गई है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे और काउंटिंग 23 नवंबर को होगी।